नालंदा जिले में पिता पुत्र साइको ने दर्जनों पुलिस कर्मियों को बंदूक की नोक पर घंटों नाच नचाया। दरअसल कुछ महीना पहले बीरबल साव की पुत्र की मौत दिल्ली में हो गई थी, जिसके बाद वह काफी तनाव में चल रहा था। इसके पूर्व भी पिता पुत्र की जोड़ी ने सिलेंडर में आग लगाकर आसपास के इलाकों में दहशत फैला दी थी। रविवार की सुबह बीरबल साव और उसका पुत्र शंकर कुमार दोनों साइको के द्वारा अपने ही पड़ोसी के महिला के ऊपर डायन का आरोप लगाकर मारपीट कर जख्मी कर दिया था। उसके बाद बंदूक के नोक पर पिता पुत्र की जोड़ी ने घंटे उत्पात मचाया। इस दौरान पिता पुत्र ने हाथों में पिस्तौल लेकर हवाई फायरिंग की। घटना की जानकारी मिलते ही चार थाना की पुलिस एवं कई अन्य सुरक्षा कर्मियों ने घर को घेर कर काफी मशक्कत के बाद पिता को गिरफ्तार कर लिया। पुत्र की गिरफ्तारी करने में भी पुलिस के पसीने छूट गए। पिता पुत्र को समझने गई पुलिस कर्मियों पर भी दोनों ने फायरिंग कर दिया, जिसमें एक पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए। इस दौरान घर के बाहर खड़ी 3 मोटरसाइकिल को भी पिता पुत्र ने क्षतिग्रस्त कर दिया। घटनास्थल पर पुलिस अधीक्षक भारत सोनी के पहुंचने के बाद पुत्र की भी गिरफ्तारी की गई और उसके पास से हथियार भी बरामद किया गया। 6 घंटे के अंदर पिता पुत्र की गिरफ्तारी हुई। इलाजरत है, सूचना मिली थी कि हत्या हो गई है, लेकिन अभी वहाँ हमने पुलिस पदाधिकारी को भेजा है तो वो मतलब कि ठीक है, उसका कोई अभी इलाज चल रहा है वहाँ पे। इसके फादर और ये दोनों के पास देसी कट्टा था, तो उससे ही अपने आप इन्होंने दोनों को घर में बंद कर लिया था, लगातार फायरिंग कर रहे थे घर से। क्योंकि आप जैसा देख रहे हैं यहाँ की जियोग्राफिकल एरिया है वो काफ़ी कंजेस्टेड एरिया है, गांव के भी लोग यहाँ पे आसपास समीप सब रहते हैं, तो लगातार फायरिंग कर रहा था। तो पुलिस के लिए चुनौती थी कि अंदर से इसको कैसे न कैसे, इसको कभी ये छत पे चढ़ जा रहा था, कभी अपने ही सर पे जो है कट्टा लगा के अपने आप को मारने की धमकी दे रहा था। तो पुलिस के द्वारा जो है, जैसा आप देख रहे हैं भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है यहाँ पे, तो अभी लगातार 4 घंटे से जो है लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, तो जिसमें इसके और इसके फादर को दोनों को रेस्क्यू कर लिया गया है और जो कट्टा था वो भी बरामद कर लिया गया है। हवा में फायरिंग की थी, पुलिस पे कोई फायरिंग नहीं की थी। वो अंदर हमको डर था कि खुद को गोली ना मार रहे, क्योंकि साइकोलॉजिकली ये चैलेंज्ड है लड़का और मानसिक स्थिति इन दोनों की, बाप और बेटे की, खराब है। आपस में इन्होंने मारपीट भी की थी और पड़ोसी के साथ भी मारपीट किया था, तो इसमें इसको दोनों को रेस्क्यू कर लिया है। जो भी सुटेबल प्रोविजन होगा लोन में उसमें कार्रवाई करेंगे। 4 घंटा से माहौल लगा। अच्छा, कितना राउंड गोली मारी हुआ? गोली कई को चला लगाया, 8-9 को चला। तो गोली चला रहा है किस लिए? अब बेटा क्या भाई के अथी में चला रहा। तुम्हारा पुलिस भी आई हुआ है? हाँ, पुलिस पूरा है, तुम जानता ना, DSP आये है, पुलिस आये है। कितना राउंड गोली चलाया, काहे चला रहा गोली? भाई के चलते चला रहा। पेट उठक मर गए थे क्या? हाँ, बेटा मर गया। कितना घंटों से है जो पुलिस इंतजार कर रही है उसको? 2-4 घंटा से। तब पुलिस को गिरफ्तार काहे नहीं कर रही है? एगो हुआ है गिरफ्तार, बाप। बेटा नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। की नाम हो अपने के? मेरा नाम हुआ नजीना यादव।